नमस्कार, चंद समय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रेखा जैन लिए चलती हूं आज के सीधे मुख्य समाचारों की ओर। महाविद्यालय में प्रवेश सीटें बढ़ाने हेतु शिक्षा मंत्री से की मांग। डिस्कॉम में फ्लैगशिप योजना की समीक्षा बैठक आयोजित। जनसंख्या दिवस पर विद्यालय में किया वृक्षारोपण। भिनमाल में ट्रेन से कटकर 26 वर्षीय युवक की मौत। ग्रामीणों ने विद्यालय के आगे स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग। जमीन से बेदखल किए परिवार ने कलेक्टर से लगाई गुहार। कांग्रेस नेता वढ़ाराम मेघवाल की पहली पुण्यतिथि मनाई। नंबर प्लेट पर अपशब्द बने विभाग के लिए चुनौती। अल्पसंख्यक बालिकाओं के प्रवेश को लेकर की चर्चा। उमेदाबाद बस स्टैंड पर मचा आवारा पशुओं का आतंक। मुलेवा क्षतिग्रस्त सड़क पर बड़ा हादसों का डर। बबूलों से अटी विद्युत लाइन से स्पार्किंग की बनी समस्या। लादुराम बुनकर की रेशम कला किसी की मोहताज नहीं। संत सनातन कुंभ का केंद्रीय मंत्री को दिया निमंत्रण। अब समाचार विस्तार से। महाविद्यालय में प्रवेश सीटें बढ़ाने हेतु शिक्षा मंत्री से की मांग। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जालौर महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में 25% प्रवेश सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि सीटों की अल्पता के कारण दोगुना विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह रहे हैं। वहीं मांग पूर्ति नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस दौरान काफी संख्या में धरने पर विद्यार्थी उपस्थित थे। इसी प्रकार कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार आहोर कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने बीए प्रथम वर्ष की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि राजकीय महाविद्यालय आहोर में वर्ष 2018-19 में बीए प्रथम वर्ष में 400 छात्र छात्राओं ने मूल दस्तावेज व फीस जमा करवा ली है। महाविद्यालय में केवल 153 छात्र छात्राओं का ही प्रवेश लिस्ट में नाम आया है, जबकि 247 बाकी छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित हैं। इस दौरान छात्र नेता अर्जुन सिंह, छात्र नेता कांतिलाल मीणा, सुरेश बंजारा, धनराज मीणा सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। जालौर डिस्कॉम में फ्लैगशिप योजना की समीक्षा बैठक आयोजित। उर्जु शिलावट की रिपोर्ट के अनुसार जालौर जिला मुख्यालय पर जोधपुर डिस्कॉम के निर्देशक तकनीकी बीएस रत्न की अध्यक्षता में डिस्कॉम सभागार कक्षा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार की फ्लैगशिप योजना आईपीडीएस एवं दीनदयाल विद्युत कनेक्शन योजना की समीक्षा की गई, जिसमें ढाणियों में बीपीएल एवं एपीएल धारकों को दिए गए विद्युत कनेक्शनों की समीक्षा की, जिसमें अधीक्षण अभियंता जालौर पीसी टॉक ने जिले भर में दिए गए कनेक्शनों सहित अन्य कार्यों का ब्यौरा किया, जिस पर रत्नू ने सरकार की डिस्कॉम से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं का तत्परता से क्रियान्वयन करने की बात कही, ताकि लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर सके। मुख्य अभियंता जी आर सिरवी ने जिले के एक एक अभियंता से विद्युत सुधार कार्यों की प्रगति जानी एवं अधिकाधिक उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति देने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमोद टाक, हेमंत संकलेचा, एन के जोशी सहित जिले भर के 70 अभियंता उपस्थित थे। जनसंख्या दिवस पर विद्यालय में किया वृक्षारोपण। जालौर से हितेंद्र दवे की जानकारी के अनुसार 11 जुलाई 2018 को विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालनाथ की ढाणी में प्रधान अध्यापिका श्रीमती सुमन लता, एजुकेट गर्ल्स ब्लॉक अधिकारी हितेंद्र दवे, मुकेश शर्मा, मुनव्वर अब्दुल्ला, अध्यापिका श्रीमती कीर्ति त्रिवेदी एवं फील्ड कोऑर्डिनेटर सीताराम सभी की मौजूदगी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर पर्यावरण सुरक्षा एवं पर्यावरण शुद्धता हेतु अधिकाधिक वृक्षारोपण की बात बताने का वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि वृक्ष ही जीवन का आधार है। जीवन की अमूल्य प्राणवायु रूपी ऑक्सीजन वृक्षों से ही संभव है, इसलिए वृक्षारोपण एवं उनका संरक्षण अति आवश्यक है। इसी तरह भरत चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साइला में विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े के तहत आयोजित परिवार कल्याण शिविर के तहत 57 महिलाओं की नजबंदी की गई,
इस शिविर में परिवार कल्याण साधनों को अपनाने हेतु प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस शिविर में डॉक्टर पीआर चुंडावत एवं डॉक्टर प्रवीण पुनमिया ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर की संपूर्ण व्यवस्था बीसीएमओ राजूमल एवं डॉक्टर जितेंद्र सोलंकी द्वारा की गई। भिनमाल में ट्रेन से कटकर 26 वर्षीय युवक की मौत। दीपक राज पुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार भिनमाल के समीप ब्रेकरी होटल के पास रेलवे ट्रैक पर युवक का ट्रेन से कटा हुआ शव बरामद हुआ। पुलिस अनुसार बाड़मेर दूठवा निवासी छेराराम पुत्र गोधन राम मेघवाल मजदूरी का कार्य करता था, जिसकी जानकारी के अनुसार लंबे समय से युवक परेशान था एवं रात साथियों के पास ही सोया था। वहीं सवेरे ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। पूर्व अनुसंधान में आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। रामसिंह ग्रामीणों ने की विद्यालय के आगे स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग। रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती सिकवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुख्य सड़क पर स्कूल होने के कारण स्कूल के बच्चों को स्कूल से निकलते समय हादसे का डर लगा रहता है। ग्रामीणों की जानकारी के अनुसार बताया कि विद्यालय मुख्य सड़क मार्ग पर होने से हादसे का अंदेशा भी बना रहता है। यदि स्कूल के आगे स्पीड ब्रेकर लग जाए तो हादसे होने का डर नहीं रहेगा। इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग में रमन मीणा का कहना है कि जो सिकवाड़ा सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त है उनका सेक्शन हो गया है, जल्द से ही सड़क मार्ग शुरू किया जाएगा, तब वहां स्पीड ब्रेकर भी बनवा दिए जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू 5th स्टैंडर्ड, स्पेशल कॉम्बो पैक फॉर गर्ल्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, सैलियंट फीचर्स, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, लेटेस्ट क्यूरिकुलम, स्ट्रेस ऑन स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, थिंकिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, म्यूजिक, डांस, योगा एंड एरोबिक्स, गेम्स एंड फन एक्टिविटीज, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स ऑल ईयर, जॉयस लर्निंग विद प्ले वे मेथड्स, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, जस्ट 30 स्टूडेंट्स पर क्लास हॉल, मार्क ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, बाला कॉलोनी, फ्रंट रोड ऑफ फतेह ग्रेनाइट, फर्स्ट फेज और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रोड, गोडीजी जालोर, मोबाइल नंबर 9057290904। गांधी एजुकेशन स्कूल हिंदी व इंग्लिश माध्यम, प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 8वीं तक। आप सोच रहे होंगे गांधी एजुकेशन स्कूल ही क्यों, क्योंकि हम उपलब्ध करवाते हैं आधुनिक पद्धति द्वारा शिक्षण, साथ ही एससी एसटी ओबीसी एसबीसी व अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान, योग प्राणायाम के नियमित अभ्यास द्वारा छात्रों का शारीरिक मानसिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास, साप्ताहिक टेस्ट, हर महीने अभिभावक मीटिंग, नवोदय विद्यालय एवं सैनिक विद्यालय की तैयारियां। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत कीजिए गांधी एजुकेशन स्कूल के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रधानाध्यापिका गुलशन बानो, मोबाइल नंबर 9660617238, प्राइवेट बस स्टैंड जालोर राजस्थान। गोरक्षा कमांडो फोर्स गुजरात प्रदेश प्रभारी डीडी राजपुरोहित इटादा के आज 33 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समस्त ग्रामवासी इटादा और पूरे देशवासियों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमीन से बेदखल किए परिवार ने कलेक्टर से लगाई गुहार। मोद्रान से जगमाल सिंह राज पुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सरपंच एवं उप सरपंच ने झूठा आश्वासन देकर अपने ही पट्टा सुधा जमीन से हटाए जाने के खिलाफ जिला कलेक्टर जालोर को लिखित ज्ञापन दिया। ज्ञापन में चतराराम पुत्र
उमा बागरी ने बताया कि मुझे 1975 की आबादी भूमि का पट्टा आवंटन हुआ था, लेकिन मुझे वहां से पूर्व सरपंच श्रीमती अनूप कंवर एवं उप सरपंच पंचाराम ने मुझे मेरे 9 परिवार को मोद्रा की ढाणी गांव से अवैध कब्जा करने के आरोप से हटाकर अन्यत्र पट्टा देने की बात कहकर बेघर कर दिया। लेकिन फिर भी उस जगह मेरी पट्टा सुधा जमीन से दूसरे लोगों को कब्जा दिया गया एवं मुझे मेरे परिवार को गांव से बेदखल कर दिया गया। इस पर चत्राराम बागरी ने जिला कलेक्टर से मांग कर मोद्रान गांव से सरपंच को आदेश देकर मुझे कहीं पर भी गांव में रहने की जगह उपलब्ध करवाई जाए। कांग्रेस नेता वर्धाराम मेघवाल की पहली पुण्यतिथि मनाई। कांतिलाल मेघवाल एवं ध्यानचंद ददालिया सियाणा की रिपोर्ट के अनुसार भिनमाल स्थानीय रामसिन रोड स्थित मेघवाल समाज छात्रावास प्रांगण भिनमाल में पूर्व सरपंच एवं पूर्व कांग्रेस जिला महासचिव स्वर्गीय वर्धाराम मेघवाल की प्रथम पुण्यतिथि गुरुवार को मनाई गई। सर्वप्रथम वर्धाराम मेघवाल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर समाज बंधुओं को उनके आदर्शों पर चलते हुए समाज का नाम रोशन करने की बात कर वक्ताओं ने की एवं उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की बात कही। इस अवसर पर अयोध्या दास महाराज जूनागढ़ आश्रम वशनाराम मेघवाल जिला परिषद सदस्य ओम सिंह मोद्रान युवा कांग्रेस नेता सवाराम वाणी का प्रधानाचार्य कालाराम ददालियन व्याख्याता केवाराम पंचाल व्याख्याता सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। नंबर प्लेट पर अब शब्द बने विभाग के लिए चुनौती। बागोड़ा से रिटमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के गांवों में पुलिस व परिवहन विभाग की उदासीनता के चलते दुपहिया वाहन चालक परिवहन नियमों की खुलकर अवहेलना कर रहे हैं। कस्बे में गत 3 माह से दोपहिया वाहन चालकों को मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर अपनी मर्जी से विभिन्न डायलॉग लिखवाने का खुमार सिर चढ़ने लगा है। परिवहन नियमों के बावजूद भी चालकों को कोई कार्यवाही का तक डर नहीं है। कस्बे में रेडियम नंबर लिखने की दुकानों पर अपनी इच्छा के अनुसार नंबर प्लेट पर नंबरों की जगह कंप्यूटराइज्ड डायलॉग लिखवा कर धौस दिखाने की खुमारी चढ़ी हुई है, जबकि वाहन चालक अपने पास वाहन के दस्तावेज एवं ड्राइविंग लाइसेंस रखना पसंद नहीं रखते। वहीं परिवहन नियमों की अवहेलना करने में नाबालिग छात्रों एवं अन्य को दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चलाते सहज देखा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि कारनामे की जानकारी पुलिस व परिवहन अधिकारियों को नहीं है। अल्पसंख्यक बालिकाओं के प्रवेश को लेकर की चर्चा। रमजान खान की रिपोर्ट के अनुसार भिनमार ब्लॉक के शहर में मुसलमानों के वास में स्थित मदरसा गुलशन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन फाफरिया भिनमाल में फील्डर कोऑर्डिनेटर फोजाराम परिहार द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अल्पसंख्यक वर्ग की 3 रिक्त सीटों के लिए बैठक रखी गई, जिसमें कार्यक्रम ब्लॉक अधिकारी वसीम खान द्वारा अभिभावकों ने बताया कि जिस प्रकार से मदरसों की इस्लामी तालीम दी जाती है, उसी प्रकार कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में दुनिया की तालीम भी दी जाती है। राष्ट्रीय सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में रहने खाना कंप्यूटर शिक्षा सिलाई मशीन आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती है। फील्ड कोऑर्डिनेटर मेघाराम चौधरी ने शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित 5 से 14 वर्ष की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर मौलाना अली असगर मदीना बानू रजीना बानू तराना पठान सहित कई अभिभावक उपस्थित थे। उमेदाबाद बस स्टैंड पर मचा आवारा पशुओं का आतंक। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार उमेदाबाद के मुख्य बस स्टैंड पर एक और छाया रहता है आवारा पशुओं का आतंक, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता, जो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही को प्रदर्शित करता है। जहां एक ओर सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर गाय को इस प्रकार की हालत का बयान कर रहे हैं। क्या गायों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार और स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन को इंतजाम नहीं करेगी? ये प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है कि वहीं मुख्य बस स्टैंड पर आवारा पशुओं के आतंक से जनता परेशान हो रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा न तो इस समस्या का समाधान किया जा रहा है और न ही इन पशुओं के मालिकों को पाबंद किया जा रहा है। मुलेवा क्षतिग्रस्त सड़क पर बड़ा हादसों का डर। जसराज पुच्छल पाचोटा की रिपोर्ट के अनुसार आहोर के निकटवर्ती मुलेवा तरवाड़ा के बीच बावरला बांध के निकट सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से हादसों का प्राय बना हुआ है। इस सड़क मार्ग पर गत साल भी हादसा हुआ था और इस साल भी बारिश के दौरान ये दौर चालू हो चुका है। बावरला बांध भर जाने पर
मेन रोड ऊपर पानी भरने से रोड के साइड में पड़े गड्ढों को अभी तक समतल नहीं किए गए। मुलेवा निवासी कैलाश माली ने बताया कि गत साल 2016 में मोहिवाड़ा का एक युवक बावरला बांध मेन रोड पर पड़ा खड्डे में डूबने से हादसा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर हादसों को आमंत्रित कर रहा है। वहीं बारिश के दिनों में वहां यहां बसों एवं टेम्पो का आवागमन भी बंद हो जाता है। बबुलों से अटी विद्युत लाइन से स्पार्किंग की बनी समस्या। बागोड़ा से रिदमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड मुख्यालय के डिस्कॉम लाइनों की मरम्मत एवं बबुलों में सटे करंट प्रवाही तारों से जहां विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं विभागीय उदासीनता के चलते ढीले तारों से दुर्घटना को संभावना 3 वर्षों से बनी हुई है। कस्बे के भिनमाल सड़क मार्ग पर कालागोरा क्षेत्रपाल गौशाला के नजदीक से गुजरती डिस्कॉम की 33 एवं 11 केवी लाइन व घरेलू एलटी लाइनों की मरम्मत नहीं होने से फॉल्ट व स्पारिंग की समस्या 3 साल से बरकरार है। एक तरफ डिस्कॉम कर्मचारी एवं अधिकारियों के कथित बेपरवाही का खामियाजा उपभोक्ताओं को घंटों विद्युत आपूर्ति कटौती के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इसी प्रकार ग्रामीणों एवं गौशाला संचालकों ने आरोप लगाया है कि गर्मी के मौसम में वर्षा पुरानी कृषि एवं घरेलू लाइनों के मेंटेनेंस एवं विद्युत कटौती करने से उसका खामियाजा उपभोक्ताओं को पसीने से नहाकर भुगतना पड़ा है। वहीं ढीले तार एवं झरझट विद्युत पोलों से बेजुबान पशु एवं विद्युत कॉल के शिकार हो रहे हैं। इसी तरह दूसरी ओर बबुलों से अटे एवं हाइट के कम तारों से खींचा जा रहा है एवं दूसरे पोल खड़े होकर ऊंचाई बढ़ाने की कवायद हो रही है, जिसमें बारिश के मौसम में बसों एवं ट्रकों को छू जाने से बबुलों की झाड़ियों में नई कटिंग की स्पारिंग फॉल्ट होने की समस्या हमेशा बनी रहती है। लादुराम बुनकर की रेशम कला किसी की मोहताज नहीं। बागोड़ा से रिदमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार हाथ की हुनर एवं कला किसी की मोहताज नहीं होती, उसमें शिक्षित होना भी कोई मायने नहीं रखता। ऐसा ही कर दिखाया है उपखंड मुख्यालय पर एक 35 वर्षीय बुनकर युवक ने। कस्बे में जैसावास सड़क मार्ग पर जेलात्रा निवासी लादुराम बुनकर की महज 4th कक्षा पास है, जो अपने हाथों से खाट बनाने में माहिर है। इस दौरान संवाददाता ने एक दुकान में स्टील के खाट में रेशम की डोर से जान फूंकते देख पूछताछ की तो बताया कि सरकारी योजना का फायदा उसे आज तक नसीब नहीं हुआ और महज पहले 4th कक्षा तक पढ़ाई कर घर धंधे में लग गया। वे बताते हैं कि एक खाट में 8 किलो रेशम की डोरी व मेहनत से 600 रुपए मिलाकर 1600 रुपए पड़ता है, जो खरीदने वाला आसानी से खाट ले जाता है और स्टील की खाट तैयार करने पर 4 से 5 हजार रुपए में बिकता है। संत सनातन कुंभ का केंद्रीय मंत्री को दिया निमंत्रण। पिंटू सुथार की रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद स्थित श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी महाराज ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा के आवास पर जाकर दुधेश्वरनाथ मंदिर में 16 एवं 17 जुलाई को होने वाले संत सनातन कुंभ में आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर मंत्री शर्मा ने कार्यक्रम में आने का पूर्ण आश्वासन दिया। इस अवसर पर महाराज के साथ मीडिया प्रभारी एस आर सुधार, व्यापारी संघ के अक्षय गर्ग, कई लोग मौजूद थे। मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार जालौर शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय जालौर। Oh, oh, oh.